इसराइल और ईरान के बीच पिछले काफी दिनों से चल रहे इस जुबानी जंग अब सीधी जंग में तब्दील हो गई। ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हमले और उसमें ईरान के दो टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोगों की मौत का बदला पूरा करने का दावा किया। ईरान ने शनिवार रात को बड़े पैमाने पर इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। दावा है कि इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और दर्जन भर मिसाइलें छोड़ी गयी। दोनों देशों के बीच काफी समय से प्रॉक्सी लड़ाई चल रही थी, लेकिन ये पहली बार है जब सीधे तौर पर ये आमने सामने आ गए। हमास के कब्जे वाले गाजा में चल रहे इजरायली ऑपरेशन के बीच ईरान से सीधी जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक उच्च अधिकारी ने इसराइल को धमकी दे डाली है, यदि इसराइल ईरानी सरजमी पर कोई और सैन्य हमला करता है तो ईरान अधिक खतरनाक जवाबी कार्रवाई के साथ जवाब देगा। प्रेस टीवी से बात करते हुए IRGC कमांडर ने चेतावनी दी कि ईरानी धरती पर किसी भी हमले का जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा। IRGC कमांडर की टिप्पणी तब आई जब ईरान ने अपने दूतावास पर हमले के जवाब में इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन के साथ कब्जे वाली इकाइयों को निशाना बनाया। IRGC ने कहा, इसराइल को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस दूतावास पर हमले और उसके वरिष्ठ सदस्यों की हत्या के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चुप्पी और उपेक्षा के बाद आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसराइली आक्रामकता की निंदा करने या संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 7 के मुताबिक इसराइल को दंडित करने में विफल रही। ईरान ने इसराइली कब्जे वाले इलाकों के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए अपनी रणनीतिक खुफिया क्षमताओं, मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया, इसमें सफलतापूर्वक हमला किया और उन्हें नष्ट किया। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका को भी हमले के तुरंत बाद बड़ी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने काउंटर अटैक में इसराइल का साथ दिया तो अगला हमला अमेरिकी बेस पर होगा। ईरानी सेना के कमांडर मोहम्मद बघेरी ने स्टेट टीवी को बताया कि अगर इसराइल ने हमला किया तो हम आज से भी बड़ा हमला करेंगे। इसके अलावा UN में ईरान ने अमेरिका को हस्तक्षेप करने की चेतावनी देते हुए जोर दिया कि टकराव इस्लामिक गणराज्य और कब्जे वाली इकाई के बीच है। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA ने दावा किया है कि हमले की वजह से इसराइल को करीब 836 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इसराइल हमले का ईरान ने कड़ा प्रहार कर अपने प्रतिरोध की आग को शांत करने की कोशिश की है। हालांकि ईरान ने चेताया कि अगर इजरायली शासन ने एक और गलती की और फिर से ईरान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो ईरान की प्रतिक्रिया काफी गंभीर होगी। ईरानी नेता ने दावा किया कि ईरान और इसराइल के बीच एक संघर्ष है जिससे अमेरिका को दूर रहना चाहिए। वहीं इन हमलों पर इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने देश के डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया है, हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है, IDF बहुत मजबूत है और सबसे जरूरी हमारे लोग बहुत मजबूत हैं। इस संकट की घड़ी में हमारा साथ देने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित सभी देशों की सराहना करते हैं। साफ है कि ईरान ने इसराइल को दी धमकी पर कायम रहते हुए ड्रोन और मिसाइल हमला कर कड़ा प्रहार किया। हालांकि ये देखना काफी अहम रहेगा कि ईरान एक हमला करके शांत बैठ जाता है या फिर आगे भी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखता है।